हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बुरा भरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टअप ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हुई है सुबह के 8 बजे से। और फिलहाल अभी नाश्ता बनाया नहीं है, लेकिन आज धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है तो अभी 8 बजे ना, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 10-11 बज गए होंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। बाकी आज हमें है लेंटर का न्योता। लेंटर का न्योता बोले तो मम्मी के भाई हैं, चचेरे भाई हैं ना, तो उन लोगों का घर बन रहा है तो उसका लेंटर पड़ रहा है, तो वहाँ न्योता है सुबह भी और दिन में भी। लेकिन सुबह का नाश्ता वहाँ थोड़ा लेट बनेगा तो इस वजह से मैं बना लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों, किचन में तो मैं आ गई हूँ, घर में अभी सिर्फ मम्मी और मैं ही है क्योंकि पापा जी गए हैं थेरेपी कराने के लिए और फिर वो थोड़ा लेट आएंगे। मैंने उनसे बोला था ऐसे 7:30 बजे मैं नाश्ता बना लेती हूँ, लेकिन उन्होंने मना करा क्योंकि और दिनों तो वो थोड़ा दुकान में बैठते हैं ना, आज नहीं बैठेंगे क्योंकि आज लेंटर करने होता है तो वो वहाँ पे भी आएंगे इस वजह से। बाकी मम्मी दिया लगाने के लिए गई हैं, नाश्ता बनाती हूँ मैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, सुबह का सारा काम धाम मेरा हो चुका है और आज काम मतलब जल्दी हो गया था क्योंकि जल्दी जल्दी किया सब। बाकी मम्मी नीचे चले गई थी, मम्मी ने 2 रोटी खाई, मतलब सुबह नाश्ता 2 रोटी किया, फिर मम्मी नीचे चली गई थी क्योंकि मतलब मामी लोगों ने सुबह नाश्ते का और दिन का न्योता दोनों दिया था, लेकिन सुबह का नाश्ता लेट बनता है और फिर जो लेबर है उनके लिए बन रहा है ना खाना, तो इस वजह से ज़्यादा लेट बन रहा है और दिन वाला भी लेट ही बनेगा। तो अभी मम्मी का मुझे कॉल आया था कि काम वाम हो गया तो नीचे आ जा करके। और वैसे मेरा ऐसा है ना कि मैं शादी से पहले बहुत अकेले रही हुई हूँ तो मेरे को अकेले रहने का मन भी नहीं करता। मैं आगे से सोचती थी मैं नीचे जाऊँ क्या करूँ करके, पर लेकिन वहाँ पर काम वाम हो रहा था। अब मम्मी का खुद ही कॉल आ गया है कि तू आ जा करके, तो नीचे जाते हो और टब भी लेके जाना है पूरी रखने के लिए, वो मतलब सामान वामान रखने वाला टब ही है, उसको लेके जाना है। बाकी जाते हैं, थोड़ा व्लॉग वगैरह भी शूट हो जाएगा वहाँ पे क्योंकि मामी लोग सभी आ रखे हैं और अभी सब मिलके खाना वाना बना रहे हैं इस वजह से। और मेरा अभी घर का काम था जो सब हो गया है, तो अब चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे खाना बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। मामी तल रही है, पंडित की रंगोली है। मामी पंडित बनी आज, और मौसी और मम्मी यहाँ पे बेल रहे हैं पूरियाँ। पापा जी काट रहे हैं सब्जियाँ। दोस्तों, यहाँ पे चल रहा है काम। वो दिन कब आएगा जिस दिन इसे बना जंदी वाले आज अरे यो यही ना आज दिखा तो रहा कूला कर रहा है प्रणाम खा रहे होते अच्छी रात बेटाला बांटने आने वाले हम घर। आज आज आएंगे हम 15 तारीख होने से तो सब तगड़ा जाग मिला गेम वाला। अरे 2 दिन नहीं दिला तब तो 20 की उम्र। दोस्तों, मामी लोगों के घर से तो मैं आ गई हूँ पूरी और आलू के गुटके और रायता खा के। वैसे मैंने सुबह नाश्ता किया था और फिर अभी खा लिया ना, अब तो दिन का मतलब 12:30 हो ही गया था खाना खाने तक। अब भूख लगी नहीं है, अब तो मैं खाऊंगी नहीं। और जिस दिन लेंटर वगैरह पड़ता है तो उस दिन मीट या चिकन ऐसी चीज़ बनती है, तो अब उनका चावल और चिकन बन रहा है जो कि मैं खाती नहीं हूँ। और मेरा पेट भी अब फुल हो चुका है तो अब दिन का खाना खाने के लिए मैं जाऊँगी नहीं उधर। और ना मैंने कल डाला था ना थंबनेल की पतिदेव घर आने वाले हैं करके, लेकिन मैंने आने वाले हैं बोला था और उनकी छुट्टी जो है वो पक्की नहीं हुई थी। पक्की बोले तो मतलब वो आने वाले थे 13 तारीख को घर और 14 तारीख को पहुँचते, फिर 15 तारीख से उनकी छुट्टी लगने वाली थी, मतलब गिननी स्टार्ट हो जाती, और वो आने वाले थे पूरे 1 महीने की छुट्टी, मतलब कि 30 दिन की छुट्टी आने वाले थे। लेकिन आज उनका इंटरव्यू हुआ सबका, 7 वालों का, और वो गेम्स वाले हैं ना, तो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि वो घर आ रहे हैं और घर वो आ रहे हैं आज ही, तो अचानक से उन्होंने बोला ना कि मैं घर आ रहा हूँ करके। तो मतलब अभी तक भी मैं आप लोगों को ऐसे बता रही हूँ, अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि वो घर आ रहे हैं क्योंकि आज अप्रैल फूल है, 1 अप्रैल है,
तो इस वजह से बहुत बार तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहीं मेरे को उल्लू तो नहीं बना रहे हो। एक तो वहाँ पे उस टाइम पे पापा जी बैठे थे, मम्मी, हम सब लोग बैठे थे, जितने भी लोग मैंने आपको व्लॉग में दिखाए सब बैठे थे, तो सब बोले थे तेरे को ये उल्लू बना रहा होगा, क्योंकि बहुत दिनों से हो रहा था। कल भी उनकी बात मम्मी से हुई थी, तो वो मम्मी से बोलते कि मैं 13 तारीख को आऊँगा करके। फिर उसके बाद एनिवर्सरी हमारी 10 मई को है, तो उसके बाद जाने वाले थे, लेकिन अब पूरी टीम छुट्टी जा रही है, तो फिर एक ही बंदे को तो वहाँ पे रखेंगे नहीं ना, तो तभी पूरी टीम को छुट्टी दे रहे हैं। उसके बाद से फिर उनका जो जो भी मतलब गेम का होगा, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है शायद, या हैंडबॉल है, इसमें से एक जो होगा गेम वो उनकी टीम बन जाएगी। फिर उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, इस वजह से उनको लेट छुट्टी नहीं मिल रही है। फिर 20 दिन वो अलग, कहाँ उनको छुट्टी मिलती ना, कट भी सकती थी, बीच में बुला भी सकते थे उनको, तो तभी अब उनको छुट्टी मिल रही है। मैं मतलब मेरा ऐसा था ना, मैं वैसे बोल रही हूँ कि मैं जो ये आज अप्रैल फुल है, तो मैं नॉर्मल से एक वैसे अप्रैल फुल वाला बना के थंबनेल बनाने वाली थी, बट मुझे वैसे पता मतलब लग नहीं रहा पता अभी भी कि वो घर आ रहे होंगे, लेकिन वो घर आ रहे हैं, क्योंकि मतलब कि मेरा कैंटीन कार्ड भी नहीं बना था, जो वाला तो बनाया, एमएच वाला कार्ड तो बनाया, लेकिन कैंटीन वाला कार्ड नहीं बना था, क्योंकि वो कभी कहीं जा रहे थे गेम्स के, उससे यूनिट में रह नहीं रहे थे अपनी। लेकिन आज उन्होंने देखा है ना कि कैंटीन कार्ड बन गया है, लेके आ रहा हूँ मैं घर। अभी मेरे को थोड़ा बहुत भरोसा भी हो रहा है, क्योंकि शॉपिंग भी की उन्होंने अपने लिए। बाकी देखते हैं, 4 बजे की ट्रेन है बोल रहे हैं वो वहाँ से, और कल शाम तक वो घर पहुँच जाएंगे। तो आगे आगे व्लॉग में आप लोग भी देखिएगा कि वो घर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बाकी देखते हैं जो भी होगा। मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो घर आ रहे हैं, लेकिन ना वो 30 दिन आने वाले थे, और 30 दिन में से अब वो 20 ही दिन आ रहे हैं, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। 10 दिन की छुट्टी उनकी कट गई है, और फिर 20 ही दिन की छुट्टी आ रहे हैं घर। 20 दिन की छुट्टी में से भी आज का दिन निकल गया, कल का दिन भी निकल ही गया समझो, कल पहुँचेंगे घर। उसके बाद 18 दिन घर रहेंगे, फिर चले जाएंगे। तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि छुट्टी अब कम जैसी होगी उनकी। दोस्तों, मैंने बहुत बार देख रखा है ना कि कुछ लोग होते हैं जो अक्सर, जैसे फौजी वाइफ होती है, उनके व्लॉग में ये कमेंट करते हैं कि तुम अपने पति के जॉब का या अपने पति के नाम का फ़ायदा उठा के व्यूज़ कमाती हो और अपने पति का फ़ायदा उठाती हूँ, ये चीज़ बोलते हैं बहुत सारे लोग। मुझे सोच के भी ऐसा होता है ना कि उन लोगों को शर्म नहीं आती होगी, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, और उन लोगों के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि पहली बात तो ये कि उन लोगों ने तो मतलब जॉब दी नहीं है हमारे पति को, और दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि तुमने फौजी से शादी करी या फौजी मिल गया है तभी तुम ऐसे ऐसे कंटेंट बना रहे हो या ऐसे ऐसे थंबनेल बना रहे हो। मतलब फौजी साहब किसी ने भी लिखा होगा ना, तो बस उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है और उनकी फैमिली में फौजी होते हैं, तो उन लोगों को पता होता है। और कुछ लोगों के ना फैमिली में होते हैं फौजी, लेकिन फिर भी ना वो उल्टा उल्टा ही बोलते हैं। उन लोगों के पास इतना दिमाग नहीं होता है कि आप खुद सोचो, मतलब मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा ये एटीट्यूड है, पर लेकिन ना मेरे को सच में बहुत बुरी लगी ये बात कि लोग ऐसा सोचते हैं कि इसकी बीवी ने फौजी साहब लिख दिया तो व्यूज़ के उससे कर रही है। भाई, व्यूज़ के उससे कर रही है, पर सच में उसका पति फौजी भी तो है, ये भी तो देखो ना। और दूसरी बात, फ़ायदा कमाने वाली क्या बात है, अगर यूट्यूब से हम पैसे कमा रहे हैं तो वो हमारे घर में तो आएंगे ना, मतलब जैसे मेरे पति हैं और मैं हूँ, हम हैं तो एक ही घर के, अगर मेरे व्यूज़ आ भी रहे हैं फौजी साहब लिखने से तो पैसे तो हमारे घर में जाने, ये ऐसा तो है नहीं कि मेरा घर अलग है और उनका घर अलग है जो मैं फ़ायदा उठाऊंगी उनका। और दूसरी बात ये कि अगर मेरा मतलब उनका नाम लिखने से मेरे उसमें मतलब व्यूज़ आ भी रहे हैं और मैंने पैसे कमा भी ले, तो ये तो एक तरफ से मेरे पतिदेव के लिए और अच्छा है ना, क्योंकि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं, मतलब फाइनेंशियली अपने पति की हेल्प नहीं कर पाती हैं। ऐसा नहीं है कि फौजी है तो भाई उसके घर में बहुत ज़्यादा पैसा होगा, बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, और एक तरफ से तो मतलब हमारे पति के लिए अच्छा है ना कि हम लोग कुछ ना कुछ करके, भले हम यूट्यूब के जरिए हो, भले हम मतलब इंस्टा के जरिए हो, मतलब ऑनलाइन हम कम से कम पैसे कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो साथ ही साथ में अपने पति की हेल्प भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो मतलब परिवार की ज़रूरतें होती हैं ना, उनके चक्कर से दबानी पड़ती हैं। तो मैं ये सोचती हूँ ना कि
थोड़ा जितना भी मुझसे हो पाएगा उतना मैं कमाऊं और मेरे पतिदेव कमाएं, तो शायद मतलब जो खर्चा वो मेरे ऊपर लगाएंगे इससे अच्छा वो फैमिली के ऊपर लग जाएगा। और दूसरा ये कि मैं खुद कमाऊंगी तो अपने बलबूते में कुछ करा है ऐसा मुझे खुद भी लगेगा, मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं अपने पति के ऊपर बोझ हूँ या मैं पढ़ी लिखी होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं लगेगा। इस वजह से मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट करे थे, और मैंने व्लॉग बनाने ना शादी से पहले ही स्टार्ट कर दिए थे। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने मतलब मेरे व्लॉग पहले से देखने शुरू कर दिए थे, या जो लोग मेरे पहले से व्लॉग देखते हैं, क्योंकि मेरी शादी हुई थी दस मई को हुई थी 2023 में, और मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट करा था अगस्त 2022 में, मतलब लगभग मेरी शादी को एक साल होने वाला है, और लगभग मेरी जो YouTube जर्नी है उसको 2 साल होने वाले हैं। दोस्तों रात का खाना हमारा हो चुका है और पतिदेव सच में आ रहे हैं घर, और वो 4 बजे निकल गए थे और ट्रेन से आ रहे हैं, तो वैसे वो कल पहुंच जाएंगे शाम को, बाकी आज तो अब मैं मतलब फ़िलहाल अभी सो रही हूँ, तो कल आपको अपडेट देंगे कि वो कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे करके। यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय।